ये है वन प्लस एस टू। ये फोन आज फाइनली चाइना में लॉन्च हो गया है और यही सेम फोन इंडिया में भी आने वाला है आज ही के दिन, वन प्लस 11 आर नाम से। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इसी फोन के बारे में, बताने वाला हूँ आपको इस फोन की चाइना में प्राइस क्या है और इंडिया में ये फोन किस प्राइस ब्रैकेट पे लॉन्च हो सकता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस फोन के बिल्ड से। सो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है। बैक में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। इस फोन का इन हैंड फील एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है ये ग्लास बैक। यहाँ पे आपको 6.74 इंचेस का एक कर्व्ड एमोलेड पैनल मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 1 बिलियन कलर शेड्स। साथ ही साथ में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी है। ये फोन HDR 10 प्लस सर्टिफाइड भी है। यहाँ पे आपको PWM डिमिंग कितनी मिलती है उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं वन प्लस ने, बस इतना बोला है सेगमेंट में आपको हाईएस्ट PWM डिमिंग देखने के लिए मिलती है। फ्रंट में आपको कौन सी प्रोटेक्शन मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है या फिर 7 मिलता है, विक्टस मिलता है, उसके बारे में फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन और ट्रस्टेबल CPU देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 8 प्लस Gen 1। एक 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड CPU है। यहाँ पे आपको GPU मिल जाता है एड्रीनो का 730। यहाँ पे आपको OnePlus ने ऑफर करी है UFS 3.1 की स्टोरेज, साथ ही साथ में LPDDR5X RAM यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। मैक्सिमम जो RAM साइज आप चूज कर सकते हैं वो 16GB है, जो मैक्सिमम ROM साइज आप चूज कर सकते हैं वो 512GB है। बाय द वे जब ये फोन इंडिया में आएगा तो होपफुली ये जो फोन है 256GB और 512GB दो वेरियंट्स में ही आए। साथ ही साथ जो RAM साइज जो मैक्सिमम आप यहाँ पे चूज करेंगे इंडिया में वो भी 12GB एंड 16GB होगी। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है बैक में। बाय द वे जो रिंग है जिसके अंदर कैमराज हैं वो मेटल की रिंग है। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने के लिए मिल जाता है अलॉन्ग विथ OIS। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है, साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो मिल जाता है। ये 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल वाले जो कैमरेज हैं वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, ये गिमिक ही मुझे कुछ लगता है। बाय द वे इस फोन से आप केपेबल होंगे 4K रिकॉर्ड करने में एट 30 एंड 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। यहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट भी मिल जाएगा। फ्रंट में आपको सिंगल शूटर मिलता है लेफ्ट साइड पे पंच होल में 16 मेगापिक्सल का। अगेन फ्रंट से भी आप केपेबल होंगे 1080p तक रिकॉर्ड करने में मैक्सिमम। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। यहाँ पे आपको सारे ही सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बात कर लीजिए इस फोन के बैटरी के डिपार्टमेंट के बारे में। सो यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी ऑफर करी है वन प्लस ने, साथ ही साथ में आपको बॉक्स में ही 100W का चार्जर भी मिल जाता है। वन प्लस ऐसा क्लेम करता है कि ये जो चार्जर है इस फोन को 1% to 100% सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में चार्ज कर देता है। यहाँ पे आपको दो ही कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, एक है ग्लेशियर ब्लू और एक ब्लैक। इस फोन की प्राइसिंग चाइना में 2800 युआन रखी गई है, जिसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो करीब करीब 34,000 रुपीज़ बैठता है। सो ये बोलना गलत नहीं होगा कि इंडिया में इस फोन का बेस मॉडल समवेयर बिटवीन 45 to 50 के आसपास हो सकता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो देखने के बाद आपको OnePlus Ace 2 aka OnePlus 11 R के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।